दादी माँ। क्या है, अब क्यों आई हो? दादी माँ, मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि आप मेरी बातों का गलत मतलब ना निकालें। अब गलत या सही मतलब निकालने से फायदा क्या? तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिल गया। तुम्हारी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे बेटे की खुशी उसे मिल जाए। मेरे जबान की कहां कदर थी तुम्हें? अब लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ेगी। मेरा सर नीचा कर दिया तुमने। दादी माँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने जो भी किया एक माँ बनकर किया। माँ तो तुम ही हो सिर्फ, दो बेटे हैं तुम्हारे, मेरी तो कहीं औलाद ही नहीं है, है ना? दादी माँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं जा बो, अब जले पे नमक मत छिड़क, जा अपना काम कर। दादी माँ प्लीज, मेरी मजबूरी को समझिए। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? मैंने अपने बेटे और पोतों की परवरिश इस तरह नहीं की कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ करें। मैंने जहाँ कहा वहां उन्होंने शादी कर दी। इस बात की तुम भी गवाह हो। मालूम है, राजेश की शादी नूपुर के साथ तय हुई थी, जो आज तुम्हारे भाई की पत्नी है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। बस नूपुर के पापा की वजह से मैंने राजेश से कहे बिना वो रिश्ता तोड़ दिया। ये बात तुम भी जानती हो। हाँ जानती हूँ। इसे कहते हैं औलाद और इसे कहते हैं परवरिश। वो औलाद ही क्या जो अपनी खुशी पर अपने माँ बाप की तमन्नाओं को निछावर कर दे। जा बहू जा, मुझे और गुस्सा मत दिला, वरना ऐसे वैसे कुछ कह दूंगी और तुम्हें बुरा लग जाएगा। ठीक है दादी माँ, आपको जो कहना है वो कह दीजिए, निकाल दीजिए अपनी भड़ास, मगर मुझे माफ कर दीजिए। आइए आइए मिर्जा साहब, बैठिए बैठिए। वो कहते हैं ना, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, ये तो हुजूर आपकी जरा नवाजी है, वरना बंदा किस काबिल है। और वैसे भी कदरदान तो सिर्फ मेजबान की नजर देखते हैं। अच्छा मिर्जा साहब, ये फरमाइए क्या लेंगे आप? हाँ जी हुजूर, पहले दम तो ले लूं, फिर सोचता हूँ और क्या लूंगा। वाह वाह, बड़े मजाकिया किस्म के इंसान हैं आप। ये मजाक तो इंसान की जिंदगी की ताकत है, ये ना हो तो जिंदगी तो कमजोर हो जाए, आगे रह जा। आप सही कहते हैं, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। जरूर, कहते हैं कि हंसी अल्लाह मियां की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। अब जब उसने ये नेमत अता फरमाई है तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं। आप ठीक कह रहे हैं। और सुनाइए, क्या हाल है आपके? बस अल्लाह का करम है, आपकी दुआ है। आप बताइए, आपका बिजनेस क्या है? अलग अलग बिजनेस हैं, बड़ा बेटा कुछ और बिजनेस करता है, बीच वाला कुछ और छोटा कुछ और। माशाल्लाह, काफी फैला हुआ बिजनेस है आपका। जी हाँ, हमें किसी बात की फिक्र नहीं है। ऐसा ही सोचिए कि शहर के रईसों में हमारी गिनती है। भाई वो तो आपके रहन सहन से ही पता चलता है कि आप लोग कितने बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। शमना जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कह सकता हूँ? फरमाइए। हुजूर, मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह आपके खानदान से हमारा एक रिश्ता जुड़ जाए। मैं कुछ समझा नहीं। हाँ मैं समझाता हूँ। देखिए बंटी है ना, ये हम सबको बहुत प्यारा है। मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बहू बेहद प्यार करते हैं उससे। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ही खानदान का लड़का है वो। कितने दिनों से कह रहे थे कि मैं यहाँ आऊँ और बंटी को लेके उनके पास जाऊँ, लेकिन मैं झिझक रहा था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे। मिर्जा साहब, हमने तो उसी दिन आपसे कह दिया था कि बंटी के एक नहीं दो घर हैं, एक आपका और एक हमारा। वो मेरा पोता है और आपका नवासा। तो आपने ये बात सोची क्यों? दोबारा अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मेरी जिंदगी का ये उसूल है, मैं सामने वाले के जज्बात देखकर बात किया करता हूँ। अब आप खुद ही सोचिए, जब तक आप में हम में कोई ठोस रिश्ता नहीं हो जाएगा,
मुझे बार बार यहाँ आने में एक झिझक सी महसूस होती रहेगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप खुलकर बात कीजिए ना। बात यह है विशंभरनाथ जी कि मैं चाहता हूँ कि आप और मैं कोई बिजनेस मिलजुल कर करें। मिर्जा साहब, बात दरअसल ये है कि मैं आप इतने सोच में क्यों पड़ गए? मैं नहीं, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है। वैसे आप मेरे बारे में मार्केट में पूछताछ कर सकते हैं, मेरा भी थोड़ा नाम है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, ईमान मेरी जिंदगी है। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है ना, मेरे तीनों बेटे बिजनेस में काफी बिजी हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती, अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पाते, तो नए बिजनेस पर क्या ध्यान देंगे? अरे हुजूर, बिजी तो मेरा बेटा भी बहुत है लेकिन हम दो बुड्ढे जो हैं, हम कब काम आएंगे इनके? आप जरा खुद ही सोचिए, अगर हम ना होते तो ये जवान कैसे होते और जिस काबिल ये बने हैं कैसे बनते? ये मेरी उम्र तो नहीं है कि मैं बिजनेस करूं। करना कराना कुछ नहीं है हुजूर, सिर्फ जरा सी सरपरस्ती करनी है, काम तो यही लोग करेंगे। अब आप मेरा प्लान तो सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि एक 5-star होटल खोलूं, उसमें मुझे आपकी पार्टनरशिप की जरूरत है। बाकी रही नाम की बात, तो कोई बात नहीं, मिलजुल के जो मुनासिब समझेंगे वो नाम रख लेंगे। वो सब तो ठीक है मिर्जा साहब, लेकिन हमारे परिवार का एक उसूल है कि कोई भी काम करने से पहले पूरा परिवार इकट्ठा होकर फैसला करता है। भाई वाह 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 वाह, आज के जमाने में भी ऐसा खानदान हो सकता है? वाह 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 वाह। एक काम कीजिए, आप अपने बेटों की राय ले लीजिए, उसके बाद हमें इत्तला कर दीजिएगा। हुजूर, वो बंटी कहाँ है? ऊपर कमरे में होगा। आधा मिर्जा साहब। जी तेरा, कैसे हैं आप? बस दो है आपके मिर्जा साहब। भाई एक चीज हम आपसे साफ साफ कर दें, हमसे इस तरह मुखातिब मत हुआ कीजिए। क्यों, कोई गुस्ताखी हो गई मुझसे? नहीं नहीं नहीं, गुस्ताखी की बात नहीं, दरअसल बात यह है कि हम आपके वालिद साहब के दोस्त हैं, आप हमें चाचा कहकर पुकारिए, या फिर चाचा जान कहने में कोई इतराज तो नहीं है आपको? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे भी मेरा कोई चाचा नहीं है, मैं आपको चाचा जान कहकर ही पुकारूंगा। शुक्रिया भाई, हम बंटी को ले जाने के लिए। ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए, शौक से ले जाइए, इसमें पूछने की क्या बात है? अंकल जी आप नमस्ते, कब आए? जी तेरा बेटी। भाई हमें ये अंकल अंकल कह के मत पुकारा करो। हाँ हमें ऐसे लगता है हम विलायती हैं और विलायत से अभी अभी आ रहे हैं। फिर क्या कहूँ आपको? अरे चाचा जान कह के पुकारो। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ तुम भी आ गई। अब हम तुम दोनों से इजाजत लेते हैं, हम दरअसल बंटी को ले जाने के लिए आए। कमाल की बात कर रहे हैं, घबराइए मत, मैं शाम तक उसे वापस छोड़ जाऊंगा। चाचा जान आप शौक से ले जाइए। बंटी बंटी देखो ना कौन है। अरे हमारे शेर राजा। आप कब आए? मैं बेटे अभी आया और आपको ले जाने के लिए आया हूँ। अच्छा आप मुझे ले जाने आए हैं। चले सर, क्या लेंगे आप, चाय की कॉफी? बेटे दरअसल कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम कहीं जा रही हो और जल्दी में हो। अरे क्या होता है? कोई बात नहीं, हम तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय अगली बार पी लेंगे, इसमें क्या है? नहीं नहीं चाचा जान, आप पहली बार घर आए, मैं अभी बना के ला। अरे नहीं 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 नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, अगली बार 2 प्याले पी लूंगा मैं। ठीक है, मैं जाते जाते भाभी से कहती हूँ कि आपको एक फर्स्ट क्लास चाय पिलाएं। अच्छा अच्छा। बेटा नाना को वहाँ परेशान मत करना और वहाँ शरारत मत करना। अरे हुजूर, शरारत नहीं करेगा तो बच्चा कैसे कहलाएगा? और घर की रौनक बच्चों की शरारत ही होती है, और हमारे यहाँ शरारत करने की खुली छूट है। माँ मुझे किसी बात की रोक टोक नहीं है। चुप शरीर कहीं के। अच्छा हुजूर इजाजत दीजिए। बस जल्दी आप। भाई घर में सब इसका इंतजार कर रहे होंगे ना, इसलिए। आपके जाने पर एक शेर सुनते जाइए, अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, आपके जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। वाह 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 वाह, क्या मौके का शेर मारा आपने। आपसे दोस्ती का असर है। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर वो बात याद रखिएगा, अपने बेटे से उस काम के बारे में कहिएगा, बहुत जल्द वो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। जरूर जरूर।
मैं क्या रोलू? तुम्हारी आंखें तुम्हारे जुबान का साथ नहीं दे रही शीरी। पलकों पर छिपे ये अनमोल मोती साफ जाहिर कर रहे हैं कि तुम रो रही हो। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं क्यों रोऊंगी? मैं तुम्हारा गम समझता हूँ शीरी। मैंने तुमसे कितनी बार समझाया कि इस तरह होने से कुछ हासिल नहीं होगा। देखो इस तरह बार बार रोकर तुम अपने आप पर तो जुल्म कर ही रही हो, साथ ही साथ दुश्मन भी कर रही हो। जिस बात को लेकर तुम इतनी परेशान हो, इतनी गमगीन हो, क्या उस बात के लिए मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत की? कभी अम्मी अबू ने तुमसे किसी बात का कोई गिला शिकवा किया है? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने आप को परेशान ना करो, अपने जहन से ये ख्याल ही निकाल दो, नेगेटिव ख्याल ही छोड़ दो कि तुम मां बनने के लायक नहीं। आपने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, अम्मी अबू ने भी नहीं कहा, लेकिन दुनिया तो कहती है ना, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत, लेकिन हमारा नाम आगे बढ़ाने वाला कोई वारिस नहीं दिया। मैं कितनी बदनसीब हूं कि एक माँ भी नहीं बन सकी और ना ही कायदे की बहू और ना ही एक मुकम्मल बीवी। यू आर बिहेविंग लाइक अ पेसिमिस्ट शीरीन। देखो ना ही मुझे कोई औलाद की जरूरत है, ना ही मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं, इस खानदान का वारिस कोई नहीं, नहीं चाहिए मुझे कोई सिवाय तुम्हारे। खुदा ने तुम्हें मुझे देकर मेरी जिंदगी की तमाम हसरतें पूरी कर दी। अरे पगली, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी हो सकती है? लेकिन जब तुम इस तरह रोती हो ना, इस तरह अफसोस करती हो, इस तरह गमगीन होती हो, तो मैं अपने आप को गुनहगार महसूस करता हूं, शर्मिंदा हो जाता हूं खुद की नजरों में। तुम क्या समझती हो मुझे इस बात का गम है कि मेरी कोई औलाद नहीं है? नहीं, मुझे कोई गम नहीं। जब मेरी किस्मत में लिखा होगा बाप बनना, मैं बन जाऊंगा। हमें उसकी जात से नाउम्मीद नहीं होना है, हमारा यकीन है उसकी जात पर। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। समझ में नहीं आता हमने ऐसी कौन सी कसर छोड़ी है। अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, फिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे नहीं, ऐसा नहीं कहते शीरीन। हो सकता है ये उसकी आजमाइश हो हम पर, उसकी मसलियत को कौन समझ सकता है? इंसानी सोच की इंतहा पर उसकी मसलियत की इब्तिदा है। जरा सोचो क्या नहीं है हमारे पास, इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ तो दिया है उसने, ये तो अल्लाह का करम है। जरा अपनी नजरें बाहरी दुनिया पर दौड़ा कर देखो, लोग दाने दाने को मोहताज हैं, दो वक्त की रोटी तक मैसर नहीं होती इन्हें, हमारे खानदान का तो इतना नाम है। देखो शरीफ, जब तुम इस तरह करती हो तो पता है घर वाले कितना परेशान होते हैं, और इस तरह से उस पर यकीन ना रखना भी कुफ्र है। अम्मी अब्बू को रोता देखकर मैं बहुत बेचैन हो उठता हूँ। एक बात का वादा करो प्लीज, तुम आज के बाद नहीं रहोगी। जानू, मैं जान बुझ कर तो नहीं रोती ना, जब अकेले बैठती हूँ तो दिल में दर्द सा उठता है और आंखें अपने आप भर आती हैं। लेकिन तुम्हारी ये भरी आंखें ऑफिस में मेरी सोच को खाली कर देती हैं। ऑफिस में मैं एक ही बात सोचता रहता हूँ कि तुम गमगीन क्यों हो, तुम इतनी दुखी क्यों हो, तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम मां बनने के लायक नहीं? ये भी तो हो सकता है कि मुझ में ही कोई कमी है। नहीं, मैंने कहा ना, पांच सिर्फ औरत ही कहलाती है, पांच का सहरा कभी शौहर के सर पर नहीं बनता। बेवकूफ है वो, जाहिल है वो जो ऐसा सोचते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे शौहर में भी तो कुछ कमी हो सकती है, और तुम्हें पता है इसीलिए तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाता चेकअप के लिए। कमजोर हूं ना, ये इल्जाम तुम पर भी आ सकता है और मुझ पर भी आ सकता है। जो होना होगा होगा, अल्लाह तवक्कल। लेकिन तुम्हें दुखी देखकर मैं शर्मसार हो जाता हूं। लेकिन
इतनी खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा शौहर मिला है और माँ बाप जैसा प्यार देने वाले सास ससुर। उनकी जगह अगर कोई और होते तो अब तक मेरी पेशानी को बांझ का धब्बा देकर कब से घर से निकाल चुके होते। प्लीज तुम ये सब बातें कहाँ से सोच लेती हो, समझ में नहीं आता ये सब क्यों अपने दिमाग में ख्याल ला रही हो, ये ख्याली पुलाव क्यों जमा कर रही हो। तुमने भी तो इस घर की जिम्मेदारी एक बहू बनकर नहीं बेटी बनकर, उन्हें बेटी बनकर तुमने जिम्मेदारी को पूरा किया है तो जाहिर है कि वो भी तुम्हें बहू के रूप में नहीं बेटी के रूप में देखी। इसी बात का तो रोना है कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं उन्हें एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकी। अकेले में मैंने अम्मी अबू की बातें सुनी, उन्हें दादा दादी बनने का कितना शौक है, पर क्या करूं अल्लाह की मर्जी। अरे देखो भाई कौन सा तशरीफ लाए। आदाब बाबू। जीते रहो जीते रहो। कैसे बंटी? मैं ठीक हूँ। आदाब। आदाब दिलशाद, देखिए कौन आया है। ओहो हमारे नन्ने मुन्ने लाल भी आए हैं, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है और आपकी दुआएं हैं। बेटा आपको तकलीफ, हमें ऑफिस देर हो रही है ना, हम लोग शाम में मिलेंगे, डिनर साथ करेंगे। ओके अंकल मुझे फिल्म भी ले जाना। अच्छा जी फिल्म भी जाना है आपको, तो हम फिल्म भी देखेंगे जरूर। मैं ऑफिस से फोन करूंगा, आप तैयार रहना। ओके ओके शाही इजाजत दूंगा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज अमान में रखे, खुदा हाफिज। आदाब बाबू इजाजत दूंगा ऑफिस के लिए। हाँ 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 जाओ जाओ जाओ, लेकिन वक्त पे आ जाना, उसे फिल्म दिखानी है। जी हाँ जी हाँ, चलिए खुदा हाफिज। क्यों भाई फिल्म का चक्कर चला लिया ना? चलो आंटी खेलते हैं। चलो चलो। बच्चों को देखकर हमारी बहू कितनी खुश हो जाती है, खास करके बंटी के साथ तो उसका दिल ही लग गया है। पता नहीं ऊपर वाला उस पर इतने जुल्म क्यों उठा रहा है। देखो खुदा जो हमें सब कुछ देता है ना वो रहीम है, मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन वो हमारा आंगन भी फूलों से जरूर भर देगा।